आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का डिस्कशन। बट रेसिडेंशियल स्टेटस का मेन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक पॉइंट क्लैरिफाई करना जरूरी है, एंड दैट पॉइंट इज कोई भी ट्रांजैक्शन का टैक्सेबिलिटी जनरली बेस्ड होता है दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वन इज अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, अनदर इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। अगेन आई एम सेइंग कोई भी ट्रांजैक्शन का जो टैक्सेबिलिटी होता है वो जनरली बेस्ड होता है दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वन इज अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन एंड अनदर इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। क्वेश्चन अराइज करते हैं, व्हाट इज अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन एंड व्हाट इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। बात ध्यान से समझना, व्हाट इज अ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहे persons are taxable in the country in which they establish their place of residence. Again, I am saying persons are taxable in the country in which they establish their place of residence regardless of source of income. इसका मतलब क्या? मानो कि एक उदाहरण ले रहे, Mr. X अपना place of residence establish किया in the country A. Mr. X अपना place of residence A country में establish किया, A country से पैसा भी कमा रहे, but केवल A country से पैसा कमा रहे ऐसा बात नहीं। Mr. X B country, सी कंट्री, डी कंट्री एंड ई कंट्री से भी पैसा कमा रहे। तो मिस्टर एक्स पांच कंट्री से पैसा कमा रहे बट उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस ए कंट्री में है। तो ए कंट्री के पास राइट आता है मिस्टर एक्स का हर एक इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज करने का। मतलब मिस्टर एक्स जो ए कंट्री से पैसा कमा रहे वो ए कंट्री से कमाने वाला इनकम के ऊपर ए कंट्री तो टैक्स इंपोज करेंगी, साथ साथ बी कंट्री से जो इनकम आन कर रहा है मिस्टर एक्स, सी कंट्री से, डी कंट्री से, ई कंट्री से, वो चार कंट्री से जो पैसा आन कर रहा है मिस्टर एक्स उसके ऊपर भी ए कंट्री टैक्स इंपोज कर पाएंगे। ये बताता है रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। तो रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट क्या हो गया? पर्संस आर टैक्सेबल इन द कंट्री इन व्हिच दे एस्टैब्लिश देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस रिगार्डलेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी कंट्री से आप पैसा कमाओ, जो कंट्री में आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो कंट्री हर एक इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे। ये रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट का जिस्ट है। देन व्हाट इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन बताता है कि ए कंट्री कंसीडर्स अ सर्टेन इनकम एज टैक्सेबल इनकम ओनली इफ सच इनकम अराइजेस विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगेन आई एम सेइंग ए कंट्री कंसीडर्स सर्टेन इनकम एज टैक्सेबल इनकम ओनली इफ सच इनकम अराइजेस विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डलेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ दैट पर्सन। मतलब यहाँ पे कुछ इनकम को लेकर बात चल रही है, कोई पर्सन को लेकर बात नहीं चल रही। जब हम रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे तो पर्सन को लेकर बात किए थे, यहाँ पे इनकम को लेकर बात कर रहे हैं। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन में कुछ इनकम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इनकम जो कंट्री में अराइज करे, वो कंट्री के पास राइट होता है उस इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज करने का। वो इनकम जो पर्सन कमा रहा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस उस कंट्री में हो ना हो। अगेन आई एम सेइंग ए कंट्री कंसीडर्स अ सर्टेन इनकम एज टैक्सेबल इनकम ओनली इफ, ध्यान देना, ओनली इफ सच इनकम अराइजेस विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डलेस ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन हु इज अर्निंग दैट इनकम। तो कुछ इनकम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इनकम जो कंट्री में अराइज कर रहे उस कंट्री उस इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर पाएंगे। जो पर्सन वो इनकम को कमा रहे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस उस कंट्री में हो ना हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है टैक्सेबिलिटी। बात समझ में आ गया? तो दो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया, एक रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, दूसरा सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। अच्छा, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन के केस में कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहे, सर आपने बताया पर्संस आर टैक्सेबल इन द कंट्री इन व्हिच दे एस्टैब्लिश देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब बताइए अगर नेचुरल पर्संस को छोड़ के आप बताएंगे तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैसे प्रूव होगा? मतलब इन केस ऑफ सोर्स ऑफ बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट हम लोग सर्टेन इनकम को लेकर बात करता है, वेयर एज इन केस ऑफ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट हम लोग बात करता है पर्संस को लेकर। इन केस ऑफ रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू पर्संस आर टैक्सेबल इन द कंट्री इन व्हिच दे एस्टैब्लिश देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या था? ये लाइन का मतलब था कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी कंट्री से इनकम अर्न कर रहे बट वो जो कंट्री का रेसिडेंट है, जो पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी कंट्री का रेसिडेंट है, वो पर्टिकुलर कंट्री जो कंट्री में वो रेसिडेंट है वो कंट्री के पास राइट आता है वो पर्सन का कमाने वाला हर एक इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का, भले ये दूसरा देश से वो पैसा अर्न किया जा रहा है। बात समझ में आया? ये था रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। यहाँ पे मैंने बताया था रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कहां से अराइज कर रहे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट मैटर। आप
हमारा देश का रेसिडेंट हो, हमारा देश में आपका रेसिडेंस है, इसीलिए हम ही लोग आपका हर एक इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे। भले ही आप दूसरे देश से भी इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब आप दूसरे देश से जो सारा इनकम अर्न कर रहे हो उसके ऊपर भी हम ही लोग टैक्स इम्पोज करेंगे, क्योंकि हमारा देश में आपका रेसिडेंस है। That is the concept of a residence based taxation. But in case of source based taxation, I have told you, a country considers a certain income as taxable income only if, again I am saying, a country considers a certain income as taxable income only if, but then such income arises within its jurisdiction, or regardless of the residence of that person who is earning that income. इसका मतलब हम लोग कुछ इनकम के ऊपर फोकस करें, जो सारा इनकम जो देश में अराइज करे वही देश वो सारा इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे। तो कुछ इनकम के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो सारा इनकम के केस में वो सारा इनकम जो देश में अराइज करे वही देश वो सारा इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे। हो सकता है जो पर्सन वो इनकम को अर्न किया है वो पर्सन का दूसरे देश में रेसिडेंस है, जिस देश में वो इनकम अराइज हुआ है उस देश में वो पर्सन का रेसिडेंस नहीं है, फिर भी वही देश वो सारा इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे जो देश में वो इनकम अराइज किया है। बात समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाता है सोर्स बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। जहां से इनकम का सोर्स है वही कंट्री के पास राइट जाता है टैक्स इम्पोज करने का। तो आई हैव डिस्कस्ड विद यू दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन इज रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, अनदर इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। अगेन स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट के केस में आपने बताया था persons are taxable in the country in which they establish their place of residence, but sir natural persons ke case mein, individuals ke case mein to ye baat prove karna aasan hai, but in case of entities ke case mein, jaise companies ke case mein hum log kaise prove kare kaun sa desh mein uska residence hai, bahut hi aasan hai prove karna, jo desh mein uska place of incorporation hai, nahi to jo desh mein uska place of effective management situated hai wahi desh ko hum log maan lenge place of residence of that company। baat clear hai? आइए अभी हम लोग स्टडी मटेरियल को एक बार ओपन करते हैं और स्टडी मटेरियल से कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं। देखिए स्टडी मटेरियल में मैंने क्या लिखा, ऑल ऑफ वी नो दैट सेक्शन नंबर 6 कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, सेक्शन 5 डील्स विद द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, फिर मैंने लिखा टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम are generally based on two concepts, one is a residence based taxation, another is source based taxation. Residence based taxation ke case mein maine likha the concept of residence based taxation states that the persons or individuals are taxable in the country or tax jurisdiction in which they establish their residence or domicile irrespective of the source of income, कहां से आप पैसा कमा रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट मैटर, कौन सा देश से आप पैसा अर्न कर रहे हो, जो देश में आपका रेसिडेंस है वही देश आपका हर एक इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज कर देंगे। इन केस ऑफ एंटिटीज मतलब कंपनीज वगैरह के केस में द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर्ड एज इट्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बात याद रहेगा। नेक्स्ट सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन ए कंट्री कंसिडर्स सर्टेन इनकम एज टैक्सेबल इनकम इफ such income arises within its jurisdiction, such income is taxed in the country of source irrespective of the residence of the taxpayer. Next, synopsis of the residence and source concepts in India may largely be collected from sections 5 6 7 and 9 of the income tax act 1961. to 5 6 7 and 9 ye char sections agar aap study karoge to aapko ye source and residence based टैक्सेशन कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया डेवलप्ड हो जाएगा। बात क्लियर? आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे सेक्शन नंबर 6 स्टार्ट करने के पहले। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है? नंबर 1, अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मस्ट बी असर्टेन विद रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर। इसका मतलब हर एक प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस को जज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार रेसिडेंट बन गया कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का, इसका मतलब हर प्रीवियस ईयर में आप वो कंट्री का रेसिडेंट ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना दिन आप वो देश में स्टे करते हो। तो लिखा हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मस्ट बी असर्टेंड विद रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर, इन अदर वर्ड्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन मे वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। ये लाइन का मीनिंग क्या है? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में अगर कोई एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्टेटस अचीव कर लिया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वही रेसिडेंशियल स्टेटस कंटिन्यू होते रहेंगे वो पर्सन का लाइफ टाइम में वो पर्टिकुलर कंट्री में।
ऐसा जरूरी बात नहीं है। अलग अलग पीवीएस में अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर कंट्री में। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे? मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर पीवीएस में कितना दिन स्टे करते हैं। तो कितना दिन स्टे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग पीवीएस में एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। यही मैटर को नीचे सब्सटेंशिएट किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। ए पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ए पीवीएस ईयर। एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में सैलरी इनकम के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर कंट्री में अलग रेसिडेंशियल स्टेटस है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग रेसिडेंशियल स्टेटस है, पीजीबीपी के लिए अलग रेसिडेंशियल स्टेटस है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर पीवीएस में एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। जितना भी सोर्सेस ऑफ इनकम है हर एक इनकम के लिए एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया एक पर्टिकुलर पीवीएस में। पीवीएस चेंज होने में रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है बट सोर्स ऑफ इनकम चेंज होने में रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं हो सकता है। वही बात लिखा गया, ए पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ए पीवीएस ईयर। दैट इज ही कैन नॉट बी अ रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर सोर्स। ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। सिटीजनशिप क्या होता है? एक इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन तब कंसिडर किया जाएगा जब दैट इंडिविजुअल हैज बीन बॉर्न इन इंडिया, और नहीं तो दैट इंडिविजुअल हैज बीन बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स आउटसाइड इंडिया, और नहीं तो दैट इंडिविजुअल हैज बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगेन आई एम सेइंग, एक इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन तब कंसिडर किया जाता है जब दैट इंडिविजुअल हैज बीन बॉर्न इन इंडिया, और नहीं तो दैट इंडिविजुअल हैज बीन बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स आउटसाइड इंडिया, और नहीं तो दैट इंडिविजुअल हैज बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब वो इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन माना जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे सिटीजनशिप के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लिंक नहीं है, यही बात यहाँ पे किया जा रहा है। द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। हो सकता है इंडियन सिटीजन हो बट आप इंडिया का रेसिडेंट नहीं हो, इंडियन सिटीजन हो बट आउटसाइड इंडिया ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जितना टाइम इंडिया स्पेंड करने में आप इंडिया का रेसिडेंट होते हो इनकम टैक्स पर्पस में, उतना टाइम आप इंडिया में स्पेंड नहीं किया, इसीलिए आपको इंडियन रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो सिटीजनशिप अलग होता है और रेसिडेंट अलग होता है। एक इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है और रेसिडेंट भी हो सकता है। ए पर्सन कैन हैव सेम रेसिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। ऑब्वियसली अलग अलग देश का रेसिडेंशियल स्टेटस का जो अलग अलग क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल कर लिया तो बहुत सारा देशों में आप रेसिडेंट कंसिडर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स। आपको बेसिकली एक बार इंडिया का डेफिनेशन रेफर करना पड़ेगा, और इंडिया का डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेयर प्रोविजन अगर आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ है, इंडिया मींस टेरिटोरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन आई एम सेइंग, इंडिया मीन्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का मतलब अगर आपको पता करना है तो आप चले जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 में, और आर्टिकल 1 में टेरिटोरी ऑफ इंडिया का जो मतलब लिखा हुआ है वही मान लो इंडिया। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे? इंडिया मीन्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 में जाएंगे और जाके देखेंगे टेरिटोरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, वही बन जाएगा इंडिया। तो अगर आप आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी करोगे तो आर्टिकल 1 में आपको मिलेगा पहले लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यहाँ पे दो नाम है, एक इंडिया दूसरा भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक ही देश का दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, दो नाम इंडिया एंड भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट लिखा गया है टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली तीन एलिमेंट्स को लेकर टेरिटोरी ऑफ इंडिया तैयार हो रहे हैं। नंबर 1 टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। अगेन आई एम सेइंग टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, तीन एलिमेंट्स को लेकर टेरिटोरी ऑफ इंडिया तैयार हो रहे हैं। नंबर 1 टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ये तो फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर को लेकर अभी प्रेजेंट में कैसे बात करेंगे कि कौन सा टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर पाएंगे, तो इसको लेकर अभी बात नहीं करेंगे, केवल दो एलिमेंट्स को लेकर बात करेंगे, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज।
अब बताओ टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, तो स्टेट्स का नाम कौन कौन सा है। यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज का नाम कौन कौन सा है। तो ये नाम पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल वन में, मतलब आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल वन को रेफर कर रहे स्टेट्स का नाम पता करने के लिए, यूनियन टेरिटरीज का नाम पता करने के लिए। बात क्लियर। तो अगर सम अप करें जो डिस्कशन अभी तक किया है, सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 25A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया का डेफिनेशन प्रोवाइड किए थे, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 को रेफर किया गया था टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पता करने के लिए, और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, सेकंड यूनियन टेरिटरी, थर्ड एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, और एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ये तो फ्यूचर का बात है, इसलिए इसको लेकर मैंने बात नहीं किया था, हमने बात किया था टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को लेकर, और ये दोनों के बारे में पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बात क्लियर, यहां तक हमने डिस्कशन किया। बट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A मैंने क्या बताया था, इंडिया मीन्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इतना तक इंडिया का डेफिनेशन नहीं है, इंडिया का डेफिनेशन आगे कंटिन्यू हो रहा है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A बेयर प्रोविजन स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ है, इंडिया मीन्स अ टेरिटोरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर कॉमा देकर लिखा हुआ है इट्स अ टेरिटोरियल वाटर्स सीबेड एंड सब सॉइल अंडरलाइन सच वाटर्स बोलकर कंटिन्यू हो रहे। तो टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब है इंडिया का जो मैप आप जानते हो, केवल वो मैप तो टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, बट उसके आगे जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो भी इंडिया का डेफिनेशन में फॉल कर रहे। और टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है, सी में जो पानी है वो भी इंडिया है। देखिए लिखा हुआ है दैट इज 72 को काट दो, ये होगा 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। मतलब अगर इंडिया का मैप हम ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, मैप जहां एंड हो रहे, मैप का एरिया जहां एंड हो रहे, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा, और 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी को टेरिटोरियल वाटर्स बोला जाता है, और टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया का डेफिनेशन में फॉल करता है। वही बात लिखा हुआ है, लिखा हुआ द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मतलब वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर अगर कोई बोट कोई शिप चल रहा है तो भी इंडिया के अंदर यही ये माना जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो स्टे इन इंडिया का डेफिनेशन में इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। The term stay in India includes a stay in territorial waters of India, that is 12 nautical miles into the sea from the Indian coastline. Again, इसको substantiate किया जा रहा है और एक viewpoint से, it is not necessary that the period of stay must be continuous. देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हम बोलेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज और उससे ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में स्टे करे तो पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में वो रेसिडेंट कंसिडर हो जाता है इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि 182 डेज कंटिन्यूअस स्टे करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 182 डेज कंटिन्यूअस स्टे करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 डेज स्टे करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में अप्रैल महीने में स्टे किया कुछ दिन, फिर इंडिया के बाहर चला गया, अप्रैल महीना का बैलेंस डेज इंडिया के बाहर रहा, मई महीना पूरा इंडिया के बाहर रहा, फिर जून महीने में आया, फिर कुछ दिन स्टे किया, फिर बाहर चला गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर बाहर स्टे किया, फिर अक्टूबर महीने में इंडिया में आया, अक्टूबर महीना पूरा इंडिया में स्टे किया। ऐसा हो सकता है, मैंने बताया कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर पीवीएस में इंडिया में अगर 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे करे तो पर्सन को पर्टिकुलर पीवीएस के लिए इंडिया में रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब इंडिया में 182 डेज एक पर्टिकुलर पीवीएस में स्टे करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि 182 डेज कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ था इट इज नॉट नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस, नॉर is it essential that the stay should be at the usual place of residence, business or employment of that individual. ye bhi zaruri nahi hai. next aur likha hua hai for the purpose of counting the number of days stayed in india both the date of departure as well as the date of arrival are considered to be in india. to date of departure and date of arrival ko bhi india mein stay kiya ye mana jayega, ye baat aapko yaad rakhna padega. in this context aur ek point ko lekar hum log baat karenge and that point is पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब जब सेक्शन नंबर 6 को स्टडी करोगे डिटेल में तो बहुत सारे केसेस में आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन व्हाट को काउंटर करोगे, तो उसका मीनिंग पहले से पता होना जरूरी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, मतलब है द पर्सन, मतलब वो खुद, जो पर्सन को लेकर बात हो रही है खुद, और नहीं तो इधर ऑफ हिज पेरेंट्स, और नहीं तो इधर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया। क्या बात कर रहे हैं, पर्सन खुद, नहीं तो पर्सन का मामी पापा में कोई भी एक, और नहीं तो पर्सन का दादा दादी नाना नानी में कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है, मतलब 1947 15 अगस्त के पहले का जो इंडिया है, 1947 15 अगस्त का पहले का जो इंडिया है अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में
आज का देश का इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया, इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश इंक्लूड होगा। ये तीन मिला के अनडिवाइडेड इंडिया होता है 1947 अगस्त के पहले का। बात समझ में आ रहा है? तो पर्सन खुद और नहीं तो पर्सन का इधर ऑफ पेरेंट्स और नहीं तो पर्सन का इधर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में जन्म लिया था तो पर्सन को माना जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ अभी हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन नंबर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर जज करना है तो सेक्शन 6 का स्टडी मस्ट है। Without analyzing the provisions mentioned in section number 6, you cannot determine the residential status of any person. अभी ये any person का मतलब क्या है? Any person का मतलब आप जानते हो person का definition section number 2 clause number 31 of the income tax act 1961 में inclusive तरीका से provide किया गया। section number 2 clause number 31 of the income tax act 1961 inclusive तरीका से person को define करता है। उसमें लिखा गया अगर bare provision को study करेंगे तो लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 का बेयर प्रोविजन अगर स्टडी करेंगे तो लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स और उसमें सात नाम लिखा गया है। वो सात नाम कुछ नहीं, बेसिकली एग्जांपल्स है पर्सन का। कौन कौन सा सात नाम लिखा गया था? इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फार्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्योडिकल पर्सन। फिर बता रहे इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फार्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्योडिकल पर्सन। ये सात नाम एग्जाम्पल के हिसाब से लिखा गया है। अच्छा, ये सात में से कोई भी एक पर्सन का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्रोविजंस मेंशन इन सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 का स्ट्रक्चर को सुन लो। सेक्शन नंबर 6 जो होता है ना उसमें सात सबसेक्शन है। सेक्शन नंबर 6 में सात सबसेक्शन है। सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में जाके एंड होता है। आप बताओगे तब तो सर 6 सबसेक्शन हो गया ना? नहीं, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 के बाद सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A होता है। इसलिए सेक्शन नंबर 6 में सात सबसेक्शन से, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 से सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 तक। अच्छा सुनिए, ये सात सबसेक्शंस में से सबसे पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 स्टडी करेंगे और पता चल जाएगा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे जांच किया जाता है। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग डिटरमाइन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 क्लियर। आइए लिखते रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके लिए हम लोग एनालाइज करेंगे सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 को। क्लियर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर 1। नंबर 1 में हम लेंगे कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, चाहे वो फॉरेन सिटीजन है, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे करता है तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट माना जाएंगे। देखिए लिख रहे हैं नंबर 1। इफ एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मे बी फॉरेन सिटीजन, मे बी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इफ एनी इंडिविजुअल स्टेज और रिसाइड्स इन इंडिया during the relevant previous year, relevant previous year का मतलब क्या है? जो particular previous year को लेकर discussion चल रहा है वो particular previous year को relevant previous year बोला जा रहा है। तो if any individual stays or resides in India during the relevant previous year 182 days or more, तो
तो कोई भी इंडिविजुअल हो जाए, चाहे इंडियन सिटीजन, चाहे फॉरेन सिटीजन, चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कोई भी हो जाए, अगर इंडिया में 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे किया, रिसाइड्स किया कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। बात क्लियर? तो हम लिख रहे हैं रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, बट रेसिडेंट इन इंडिया होने के बाद वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, उसका प्रोविजन बाद में डिस्कस करेंगे। क्या लिख रहे हैं देखो, दैट पर्सन मे बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दैट पर्सन मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब कैसे बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पता चल गया, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में अगर 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे किया, रिसाइड किया कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए वो पर्सन को इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। इसलिए मैंने लिखा, इफ एनी इंडिविजुअल स्टेज और रिसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। फिर उसका स्टेटस हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो जज करेंगे। बात क्लियर? वो तो रेसिडेंट बन गया। अभी रेसिडेंट दो प्रकार का हो सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेकंड को देख लेते हैं पहले, सेकंड में क्या बता रहे हैं, इफ एनी इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे फॉरेन सिटीजन हो, चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो, कोई भी इंडिविजुअल स्टेज और रिसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बिलो 60 डेज, बात समझ में आ रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में अगर 60 दिन से नीचे रहता है, 60 दिन से नीचे मतलब जीरो डे भी कवर हो गया, मतलब नहीं रहता है, 60 दिन से अगर नीचे रहता है तो पर्सन को हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्पस के लिए इंडिया में नॉन रेसिडेंट मानेंगे वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए। बात समझ में आया? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दैट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यहां भी वो लिख देते फॉर दैट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, अब बताओगे सर कोई एक इंडिविजुअल, अगर कोई एक इंडिविजुअल मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे करता है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। फिर उसका स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। बट सेकेंड कैटेगरी में हमने डिस्कस किया, कोई एक इंडिविजुअल अगर इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में बिलो 60 डेज स्टे करता है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा, और ये दोनों ही इनकम टैक्स पर्पस के लिए। बात समझ में आया? अच्छा, थर्ड कैटेगरी क्या होने वाला है? अब बताओगे सर, थर्ड कैटेगरी तो हम लोग जज कर पा रहे हैं। थर्ड कैटेगरी होने वाला है 60 डेज और उससे ज्यादा इंडिया में रहता है बट बिलो 182 डेज। यस, वेरी गुड। इफ एनी इंडिविजुअल स्टेज और रेसाइड्स इन इंडिया 60 डेज और मोर इन ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर बट लेस देन 182 डेज, तब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए थर्ड कैटेगरी को लिखते हैं। If any individual मतलब any individual कोई भी, if any individual stays or resides in India ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब फिर बताने का जरूरत नहीं, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 days. तब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है वो थर्ड कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन द केस ऑफ थर्ड कैटेगरी होल कंटेंट को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे, मतलब होल कंटेंट को हम लोग पार्ट वन पार्ट टू ऐसे डिवीजन क्रिएट करके डिस्कशन करेंगे। थर्ड कैटेगरी जो है ना वो कंप्लीटली एनी इंडिविजुअल को लेकर बात करते हैं, और एनी इंडिविजुअल के अंडर इंडियन सिटीजन भी कवर होता है, फॉरेन सिटीजन भी कवर होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी कवर होता है। तो थर्ड कैटेगरी के अंडर जो पार्ट वन क्रिएट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वो पार्ट वन के अंडर हम लोग इंडियन सिटीजन को लेकर बात करेंगे, मतलब थर्ड कैटेगरी का पार्ट वन कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा इंडियन सिटीजन के ऊपर। आइए पार्ट वन को हम लोग क्रिएट करते हैं। पार्ट वन में लिख रहे हैं एनी इंडियन सिटीजन, जो कि ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल है, तो एनी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है, हु लिव्स इंडिया, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बट क्यों इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? वो कारण हम नीचे लिखेंगे। तो इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्यों इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? देखिए इधर तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, नंबर वन एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। देखिए क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भारतीय जहाज जो है ना उसका कर्मचारी के रूप में अब इंडिया छोड़ के जा रहे हो, एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप,
और नहीं तो आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, नंबर टू लिख रहे फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे, बात क्लियर। एंड इन दिस सिनेरियो दिस टाइप ऑफ इंडियन सिटीजन हु स्टेज इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो वही बात हम लिख रहे, नॉन रेसिडेंट। What I have said in case of third category का part one, हमने बताया अगर कोई Indian citizen India में stay करता है during the relevant previous year 60 days or more but less than 182 days and वही citizen India छोड़ के जा रहे either as a member of the crew of an Indian ship और नहीं तो for the purpose of employment outside India, तो वो Indian citizen को for that particular relevant previous year non-resident consider किया जाएंगे। यहाँ पे student अपना mind में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और मिसकॉन्सेप्शन डेवलप कर लेते हैं। स्टूडेंट को लगता है अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और नहीं तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन अगर वो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के जाता है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसको नॉन रेसिडेंट तब कंसिडर किया जाएगा जब क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। और थर्ड कैटेगरी में क्राइटेरिया क्या दिया है, अगर कोई इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज और उससे ज्यादा इंडिया स्टे किए बट लेस देन 182 डेज, वही इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के चला गया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इधर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तब उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज और उससे ज्यादा इंडिया स्टे करता है और वही इंडियन सिटीजन एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और नहीं तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के जाता है तो उसको हम लोग रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। अगर 60 डेज से नीचे रहता है वही इंडियन सिटीजन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में तो उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। मतलब पहले आप कैटेगरी वन देखोगे, देन कैटेगरी टू देखोगे, देन कैटेगरी थ्री में आओगे। सिक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर, क्या बता रहे, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर स्टे किया 60 डेज और उससे ज्यादा बट लेस देन 182 डेज और वही इंडियन सिटीजन और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाता है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नॉन रेसिडेंट। बट वही इंडियन सिटीजन अगर 182 डेज और उससे ज्यादा इंडिया स्टे किया तब उसको हम लोग रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। बात यहां क्लियर हो रहा है। तो इंडियन सिटीजन रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट के लिए कैटेगरी टू भी ओपन है और कैटेगरी थ्री का पार्ट वन भी ओपन है। इंडियन सिटीजन रेसिडेंट हो सकता है कैटेगरी वन का हिसाब से, इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट हो सकता है कैटेगरी टू का हिसाब से, इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट हो सकता है कैटेगरी थ्री का पार्ट वन का हिसाब से। बात क्लियर। अभी आइए कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट टू को लेकर डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हो गया, पार्ट टू। पार्ट टू में हम क्या लिखेंगे, पार्ट टू में हम लोग कंसिडर करेंगे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
हु बींग आउटसाइड इंडिया, ऐसा इंडिविजुअल को लेकर बात हो रहा है जो इंडियन सिटीजन है और नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जनरली आउटसाइड इंडिया रहते हैं। कौन सा कारण के लिए? हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, प्रोफेशन पर्पस के लिए, हो सकता है अदर कोई भी कारण से। बात समझ में आ रहा है? बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकता है, कोई भी कारण से हो सकता है। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन और नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर रहते हैं, आउटसाइड इंडिया रहते हैं कोई भी कारण से, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, of that person number one does not exceed 15 lakhs, अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमने लिखा इंडियन सिटीजन और नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो जनरली आउटसाइड इंडिया रहता है बट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया विजिट किया और उसका टोटल इनकम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, इसका मतलब इंडियन इनकम को लेकर बात हो रही है, उसका इंडियन इनकम अगर 15 लाख तक है तो इसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया? इसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे, नॉन रेसिडेंट। इनकम ऑफ सच पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये दोनों का इंडियन इनकम को हम लोग कंसिडर करेंगे। आइए लिखते हैं, हैविंग टोटल इनकम अदर देन income from foreign sources, इस लाइन को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अपेरेंटली लाइन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल इनकम में से फॉरेन सोर्सेस का इनकम को हटा दो तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? इंडियन इनकम। इसीलिए तो मैंने बताया सच पर्सन का इंडियन इनकम कंसीडर करेंगे। सच पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दोनों को लेकर अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये दोनों को हम सच पर्सन बोल रहे हैं। तो सच पर्सन का इंडियन इनकम कंसिडर कर रहे हैं। अगर सच पर्सन का इंडियन इनकम 15 लाख तक है तो स्टेटस अलग होने वाला है, अगर 15 लाख क्रॉस करे तो स्टेटस अलग होने वाला है। बात क्लियर? तो आइए कंटिन्यू करते हैं।
does not exceed नंबर वन में क्या लिख रहे हैं डज नॉट एक्सिट रुपीज 15 लैक्स अगर एक्सीड्स 15 लैक्स तो क्या होगा सेकेंड में हम लेंगे एक्सीड्स 15 लैक्स अगर डज नॉट एक्सीड 15 लैक्स है तो हम इसको बनाएंगे नॉन रेसिडेंट अगर एक्सीड्स 15 लैक्स है तो इसको दो पॉइंट में डिवाइड करेंगे हम लोग ए एंड बी आइए मेरा साथ नोट डाउन कीजिए ए में हम लिख रहे सच पर्सन स्टेज और रिसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वन ट्वेंटी डेज और मोर हम लोग थर्ड कैटेगरी में अभी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं और थर्ड कैटेगरी में क्या लिखा हुआ था इंडिविजुअल इंडिया में स्टे किया 60 दिन और उससे ज्यादा 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट बता रहे कि 120 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अगर स्टे किया तो मतलब वो ऑब्वियसली फॉल कर रहे 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज के अंडर तो हमने लिखा सच पर्सन स्टेज और रिसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 120 डेज और मोर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर्स प्रिसेडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर सच पर्सन को हम लोग इन दिस केस अ रेसिडेंट कंसिडर करेंगे तो मेरा साथ नोट डाउन कीजिए सच पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट बट ध्यान देना पड़ेगा ये इनोवा टाइप का रेसिडेंट बनेंगे ओआर टाइप का रेसिडेंट नहीं बनेंगे इनोवा टाइप का रेसिडेंट बनेंगे अच्छा ए वाला क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बी वाला क्राइटेरिया का जन्म होगा बी क्या बता रहे बी बता रहे आदर्श ए में लिखा हुआ था सच पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अगर 15 लाख से ज्यादा इंडियन इनकम कमाता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में और
120 दिन और उससे ज्यादा स्टे करते हैं इंडिया में रेलिवेंट पीवीएसआर में एंड 365 डेज और उससे ज्यादा ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स इंडिया में स्टे करते हैं तो रेसिडेंट बन जाएंगे एंड इनोवा टाइप का रेसिडेंट बनेंगे। बट इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब 15 लाख इनकम तो क्रॉस किया, उसका अंडर ही ए और बी बन रहे, तो 15 लाख इंडियन इनकम तो क्रॉस हो रहा है सच पर्सन का, बट सच पर्सन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 120 दिन से कम स्टे किया। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन से ज्यादा तो स्टे किया इंडिया में, बट ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में 365 डेज से कम स्टे किया। तो ऐसे केस में आदर्श का जन्म हो रहे और आदर्श होने में इनको हम नॉन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे कैटेगरी 3 के अंडर। कैटेगरी 3 के अंडर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, अभी कैटेगरी 3 के अंडर पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। आइए मेरा साथ नोट डाउन स्टार्ट कीजिए। पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंडर हम लोग कंसिडर करेंगे अदर इंडिविजुअल्स को। लिख रहे अदर इंडिविजुअल्स। आप पूछोगे अदर इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल्स ऊपर में कवर नहीं हुए वही इंडिविजुअल्स को हम लोग पार्ट 3 में अदर इंडिविजुअल्स बोलकर कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप नाम पूछ रहे हो कि अदर इंडिविजुअल्स का उदाहरण बताइए तो थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले चार्ट को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो अदर इंडिविजुअल्स के अंडर हम लोग 2 पॉइंट बना रहे हैं। पहले हम लोग ए पॉइंट को कवर कर, ए पॉइंट में लिख रहे अदर इंडिविजुअल्स स्टेज और रेसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड का मतलब होता है क्यूमुलेटिव कंडीशंस मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस। देखिए हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी 3 के अंडर, और कैटेगरी 3 में क्या लिखा हुआ था? ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल 60 डेज और उससे ज्यादा ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे किए बट लेस देन 182 डेज। ऐसे केस में हम लोग डिविजन क्रिएट करके डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो इंडिविजुअल्स कैटेगरी 3 में तो कवर हो रहे थे बट पार्ट 1 में नहीं आ रहे थे, पार्ट 2 में नहीं आ रहे थे, मतलब वो पार्ट 3 में कवर हुआ, उसको हम लोग बताया अदर इंडिविजुअल्स। और अदर इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव कंडीशन डाल रहे, उसमें एक कंडीशन आपको बता दिया 60 डेज वाला, और एक कंडीशन बताएंगे। क्लियर? क्यूमुलेटिव कंडीशंस में यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक 60 डेज वाला और एक बताने के लिए जा रहे। आइए मेरा साथ नोट डाउन स्टार्ट कीजिए। 365 डेज और मोर ड्यूरिंग दी फोर प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बात समझ में आया? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैटेगरी 3 के अंडर पार्ट 3 को लेकर।
पार्ट थ्री कैटेगरी थ्री के अंडर कवर होता है, इसलिए पार्ट थ्री का डिस्कशन के पहले कैटेगरी थ्री का डिस्कशन होना जरूरी है। अब मुझे बताइए कैटेगरी थ्री होता क्या है, कैटेगरी थ्री के अंडर कौन कौन सा सारा इंडिविजुअल्स कवर होता है। अब बताओगे जो सारा इंडिविजुअल्स कैटेगरी वन में कवर नहीं हुआ, कैटेगरी टू में कवर नहीं हुआ, वो सारा इंडिविजुअल्स ऑटोमेटिकली कैटेगरी थ्री में कवर होता है। अच्छा, कौन से सारे इंडिविजुअल्स कैटेगरी वन में कवर होते हैं? जो सारा इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज और उससे ज्यादा इंडिया स्टे किया, वो सारा इंडिविजुअल्स कैटेगरी वन में कवर होता है। अच्छा, कैटेगरी टू में कौन सा सारा इंडिविजुअल्स कवर होता है? जो सारा इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बिलो 60 डेज इंडिया में स्टे किया, वो सारा इंडिविजुअल्स कैटेगरी टू में कवर होता है। मतलब कैटेगरी थ्री में वो सारा इंडिविजुअल्स कवर होता है जो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज और उससे ज्यादा बट लेस देन 182 डेज इंडिया में स्टे किया। कैटेगरी थ्री में वो सारा इंडिविजुअल्स कवर होता है जो सारा इंडिविजुअल्स 60 डेज और उससे ज्यादा बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे किया। और ये सारा इंडिविजुअल्स को लेकर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कशन कंटिन्यू किया था, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन में कौन आ रहे थे? कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट वन, कैटेगरी थ्री बताया जो सारा इंडिविजुअल्स 60 डेज और उससे ज्यादा बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे किया, वो सारा इंडिविजुअल्स कैटेगरी थ्री में कवर होता है। कैटेगरी थ्री के अंडर आ रहा है पार्ट वन, पार्ट वन में क्या लिखा हुआ था? पार्ट वन में लिखा हुआ था इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब कैटेगरी थ्री पार्ट वन, इसको अगर एक साथ बोलेंगे तो ऐसा इंडिविजुअल्स जो इंडियन सिटीजन है और ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे किया 60 डेज और उससे ज्यादा बट लेस देन 182 डेज एंड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के जा रहे एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन कवर हो रहे थे कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट वन में। बात क्लियर? फिर पार्ट टू, कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट टू, पार्ट टू में क्या लिखा होता? पार्ट टू में लिखा होता इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया बट कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो कैटेगरी थ्री का पार्ट टू हिट कर जाएगा। फिर बता रहे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया बट कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो कैटेगरी थ्री का पार्ट टू हिट कर जाएगा। क्लियर? अच्छा, पार्ट टू अगर हिट कर गया तो हम देखेंगे वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का इंडियन इनकम कितना है, टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब इंडियन इनकम कितना है। अगर इंडियन इनकम 15 लाख तक है, मतलब डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तो वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम लोग नॉन रेसिडेंट कैटेगराइज्ड किया था। बट अगर वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का इंडियन इनकम, मतलब टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख क्रॉस करे, तो हमने देखा था कि वो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में कितना दिन स्टे किया था। अगर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया स्टे किया था 120 डेज और मोर, बट ऑब्वियसली लेस देन 182 डेज, क्योंकि हम लोग पार्ट टू को डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी थ्री के अंडर। और होल कैटेगरी थ्री का डिस्कशन तब स्टार्ट होता है जब इंडिविजुअल्स इंडिया में ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर स्टे करता है 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। तो बात कर रहे थे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया बट कम्स ऑन ए विजिट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर टू इंडिया एंड जिसका इंडियन इनकम टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख क्रॉस करे, वो अगर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया स्टे करे 120 डेज और मोर बट ऑब्वियसली लेस देन 182 डेज एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तब वो इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम लोग रेसिडेंट कैटेगराइज्ड करेंगे। बट कौन सा टाइप का रेसिडेंट? ऑब्वियसली NOR टाइप का रेसिडेंट, मतलब नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा, अदरवाइज होगा तो क्या होगा? अदरवाइज का मतलब क्या है? अदरवाइज का मतलब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया बट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया एंड जिसका इंडियन इनकम 15 लाख को क्रॉस करे एंड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो अगर इंडिया में स्टे करे लेस देन 120 डेज। इधर तो लेस देन 120 डेज स्टे करे तब अदरवाइज में फॉल करेगा, नहीं तो हो सकता है 120 डेज और उससे ज्यादा स्टे किया बट ऑब्वियसली लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा स्टे करने में तो कैटेगरी वन में चला जाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे रेसिडेंट। तो 120 डेज और उससे ज्यादा स्टे किया हो सकता है बट लेस देन 182 डेज। बट और एक क्राइटेरिया था 365 डेज का, कि ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो 365 डेज और उससे ज्यादा स्टे किया, वो जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को वायलेट किया, मतलब 365 डेज से कम स्टे किया ड्यूरिंग द फोर ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में अदरवाइज कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे और अदरवाइज बनने में उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट बताएंगे। देखिए ये वाला अदरवाइज बनने में हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे।
अदरवाइज में वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट आ रहे कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में हमने डाला अदर इंडिविजुअल्स। कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट थ्री, कैटेगरी थ्री क्या था, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में स्टे करे 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा तभी अदर इंडिविजुअल्स में आएंगे। बट वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद वो इंडिविजुअल्स ना तो कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट वन में फॉल किया ना तो पार्ट टू में फॉल किया, इसलिए पार्ट थ्री में आ रहे। तो अदर इंडिविजुअल्स में हम लोग कौन कौन नाम लिख सकते, देखिए हम लोग ये सारा नाम लिख सकते, फॉरेन सिटीजन, नहीं तो ऐसा इंडियन सिटीजन, यहां पे हम एक एस्ट्रिक लगा रहे, नीचे कंटिन्यू करेंगे बाकी पार्ट को एस्ट्रिक लगा के, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एनी रीजन अदर देन एज ए मेंबर ऑफ द, अदर देन बोलकर दो पॉइंट डाल ले, अदर देन में दो पॉइंट कवर होगा, क्लियर। अदर देन नंबर वन एज ए मेंबर ऑफ द crew of an Indian ship and number two for the purpose of employment outside India. What I am discussing now? I am discussing category 3 के under part 3 वाला point को, और part 3 में आ रहे other individuals, और other individuals का meaning क्या है वो बता रहे। other individuals का meaning पहले बता दिया foreign citizen, next बताया Indian citizen जो during the relevant previous year India छोड़ के जा रहे, but ये दो reason को छोड़ के तीसरा कोई reason में जा रहे, जो दो रीजन बताया ना एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये दो रीजन छोड़ के तीसरा कोई रीजन से इंडिया के बाहर जा रहे, तब जाके अदर इंडिविजुअल्स में कवर होंगे, क्लियर। अच्छा और एक नाम हम यहां पे लेंगे, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, एस्ट्रिक को कंटिन्यू कर रहे, क्लियर। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन who comes India during the relevant previous year permanently but clear। तो ये सारे इंडिविजुअल्स कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट थ्री में कवर हो रहे,
पार्ट थ्री में तो कवर हो रहे समझ में आ रहे हैं, बट कैटेगरी थ्री में कवर हो रहे इसलिए तो पार्ट थ्री का डिस्कशन आ रहा है ना। मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि कैटेगरी थ्री में जो क्राइटेरिया था वो ये सारे इंडिविजुअल्स ने सेटिस्फाई किया। कैटेगरी थ्री का क्राइटेरिया क्या था? इंडिविजुअल्स जो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे करते हैं 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, वो कैटेगरी थ्री में फॉल करते हैं। और कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में अदर इंडिविजुअल्स, जिसमें हमने तीन नाम लिया। बात समझ में? पहले लिया फॉरेन सिटीजन, देन लिया इंडियन सिटीजन, देन अगेन लिया इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। आइए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो ए वाला पॉइंट था ना, ये अदर इंडिविजुअल्स के अंडर ए वाला पॉइंट था, ए वाला पॉइंट को हम लोग रेसिडेंट कैटेगराइज करेंगे। रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंट मतलब फिर इसको सब कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ओआरए की एनओआरए की दोनों ही हो सकता है। देखो बता रहे, ये ओ आर भी हो सकते हैं, एनओआर भी हो सकते हैं, वार भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है। नेक्स्ट और एक लेंगे बी को, अदर इंडिविजुअल्स के अंडर बी को लेंगे। और बी में हम लोग लिख रहे हैं अदरवाइज। अदरवाइज इसको हम कैटेगराइज्ड करेंगे एस नॉन रेसिडेंट। बात यहां क्लियर है? तो अदर इंडिविजुअल्स में ए एंड बी, ए में जो लोग कवर नहीं हो रहे ऑब्वियसली वो कैटेगरी थ्री में कवर हो रहे, पार्ट थ्री में कवर हो रहे, बट ए में कवर नहीं हो रहे। ए में कवर होने के लिए 60 डेज एंड 365 डेज का क्राइटेरिया था। ये दोनों एंड था, क्यूमुलेटिव कंडीशंस था। दोनों में कोई भी एक कंडीशंस अगर वायलेट हो गया, कोई भी एक कंडीशन, तो बी में फॉल कर जाएगा। बी मतलब अदरवाइज और अदरवाइज मतलब नॉन रेसिडेंट। बात यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि सर जो सारा केसेस में आपने बताया कि रेसिडेंट ओआर कैटेगराइज्ड भी हो सकता है, एनओआर कैटेगराइज्ड भी हो सकता है, तो वो सारा केसेस में ओआर बनने का क्या एडिशनल क्राइटेरिया है और एनओआर बनने का क्या एडिशनल क्राइटेरिया है? देखो ओआर बनने का क्राइटेरिया बता देंगे, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रेसिडेंट जो ओआर बन नहीं पाया वो ऑटोमेटिकली एनओआर बन जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, कौन से सारा केसेस में मैंने बताया कि रेसिडेंट ओआर कैटेगराइज्ड भी हो सकता है, एनओआर कैटेगराइज्ड भी हो सकता है? एक तो अदर इंडिविजुअल्स वाला केस, मतलब कैटेगरी थ्री के अंडर जो पार्ट थ्री था, पार्ट थ्री में मैंने बताया कि रेसिडेंट ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है, बताया। अच्छा, दूसरा ये जो कैटेगरी थ्री के अंडर पार्ट टू का डिस्कशन था, जिसमें ए वाला डिस्कशन था, उसमें मैंने रेसिडेंट को केवल एनओआर बताया कि एनओआर कैटेगराइज्ड हो सकता है, ओआर कैटेगराइज्ड नहीं हो सकता है। कैटेगरी वन में मैंने बताया रेसिडेंट ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है, दिस वन। तो ओआर बनने का एडिशनल क्राइटेरिया कौन कौन सा है, आइए लिखते हम। तो रेसिडेंट को अगर ओआर कैटेगराइज्ड होना है, जहां पे पॉसिबल है, रेसिडेंट अगर ओ आर कैटेगराइज होना चाहते हैं तो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सा है? एडिशनल कंडीशंस टू सेटिस्फाई, टू बी सेटिस्फाइड। कौन से सर एडिशनल कंडीशंस? नंबर वन, द रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज बीन a resident in India
ये जो रेसिडेंट इंडिविजुअल वाला बात हम कर रहे हैं ना, ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. बात क्लियर? और एक कंडीशन है क्यूमुलेटिव कंडीशंस, इसलिए हम एंड लिखेंगे। एंड सेकंड कंडीशन नंबर 2, द रेसिडेंट इंडिविजुअल जो रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ये तो हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। द रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज रेसाइडेड इन इंडिया 730 days और मोर, मतलब एटलीस्ट 730 days और मोर ड्यूरिंग दी सेवन प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग The relevant previous year. तो बात क्या बन रहे? तो बात यहाँ पे तैयार हो रही है, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल को कैटेगराइज करना पॉसिबल है लॉ अगर परमिशन दे रहे तो, इधर तो ओआर में नहीं तो एनओआर में, तो कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे? मतलब ओआर बनने के लिए रेसिडेंट को कौन सा सारा एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा? मैंने 2 कंडीशंस बताया। नंबर 1 कंडीशन था कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल रेसिडेंट कैटेगराइज हो गया, उसके आगे का 10 प्रीवियस ईयर्स में से अगर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स 2 प्रीवियस ईयर्स और रेसिडेंट कैटेगराइज्ड हुआ था, ये नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें वो इंडिविजुअल रेसिडेंट कैटेगराइज्ड हुआ है, उसके आगे का 7 साल मिला के अगर 7 प्रीवियस ईयर्स मिला के अगर 730 डेज और उससे ज्यादा वो इंडिविजुअल इंडिया में स्टे किया है, तब वो इंडिविजुअल को हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कैटेगराइज्ड करेंगे। ये दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो उसको हम लोग इनओआर कैटेगराइज करेंगे, बट जहां पे लॉ परमिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ एक केसेस में मैंने लिख दिया रेसिडेंट, बट वो हमेशा के लिए इनओआर, ओआर बन ही नहीं सकते, तो उसमें ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने का क्वेश्चन अराइज ही नहीं कर रहे। कहां अराइज कर रहे? जहां पे रेसिडेंट को ओआर एंड इनओआर दोनों में कोई एक कैटेगरी में डिवाइड करना पॉसिबल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डीम्ड रेसिडेंट। फिनांस एक्ट 2020 ने डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A के थ्रू, ये अमेंडमेंट था। आइए लिखते हैं, डीम्ड रेसिडेंट। फिनांस एक्ट 2020 ने एक सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A, अच्छा डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या है? पहले क्राइटेरिया देख लेते फिर लॉजिक बिहाइंड द लॉ को देखेंगे। नाउ डीम्ड रेसिडेंट का क्राइटेरिया सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A बता रहे, अगर कोई इंडियन सिटीजन को लेकर बात चल रही,
इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस इनकम मतलब इंडियन इनकम एक्सीडिंग रुपीस 15 लाख इंडियन सिटीजन जिसका इंडियन इनकम टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस इनकम मतलब इंडियन इनकम 15 लाख को क्रॉस किया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड इफ सच पर्सन अभी कंडीशन डालेंगे नंबर वन कंडीशन हम लिख रहे हैं is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ये हो गया नंबर वन कंडीशन और एक कंडीशन है मतलब दो कंडीशंस और दो कंडीशंस को एंड से हम लोग जोड़ेंगे मतलब बन जाएगा क्यूमुलेटिव कंडीशंस तो दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा डीम्ड अ रेसिडेंट कंसिडर्ड होने के लिए तो हम लिख रहे हैं एंड सेकेंड कंडीशन इज नॉट ए रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर As per provisions mentioned in section number 6, subsection 1.
Now I am asking you on the basis of the theme which I have already discussed with you, बताइए कौन सा सारा क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड करके एक इंडिविजुअल को अब डिम्ड रेसिडेंट कंसिडर करोगे। आपका आंसर होना चाहिए अगर कोई इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस इनकम कमाता है मोर देन 15 लाख एंड वही इंडियन सिटीजन अगर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 के अनुसार रेसिडेंट कंसिडर्ड नहीं हुआ है, मतलब वो नॉन रेसिडेंट कंसिडर्ड हुआ है एंड वही इंडियन सिटीजन अगर दूसरा कोई देश में भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है उस देश का लॉ का हिसाब से, तो इंडियन सिटीजन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A के अनुसार डिम्ड रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। मतलब आप सोच के देखिए, ये जो इंडियन सिटीजन है ना, वो ऐसा तरीका से अपना रेसिडेंशियल अकोमोडेशन को अरेंज किया था कि दूसरे कोई भी देश में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं बन रहे थे, बात समझ में आ रहे हैं? और इंडिया में भी वो नॉन रेसिडेंट कंसिडर हो रहे थे, इंडिया में भी नॉन रेसिडेंट, दूसरे देश में भी वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो रहे थे, मतलब वो अपना टैक्स को कितना मिनिमाइज कर दिया था। ऐसा इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबरदस्ती डिम्ड रेसिडेंट कंसिडर कर लिया, मतलब वो है तो एक्चुअल में नॉन रेसिडेंट बट उसको कंसिडर किया जाएगा रेसिडेंट जबरदस्ती। बट कौन सा टाइप का रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा? ये इनुआ टाइप का रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है, दिस डिम्ड रेसिडेंट हमेशा वुड बी कंसिडर्ड एज इनुआ टाइप का रेसिडेंट, मतलब नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो इसमें इनकम टैक्स में इंपैक्ट आएगा, और रेसिडेंट का कौन सा सारा इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है आप जानते हो। अगर वही नॉन रेसिडेंट को इनुआ टाइप का रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा तो कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है वो आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 आपको याद नहीं आ रहा है? सेक्शन नंबर 5 का जिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। आइए, सेक्शन नंबर 5 में क्या था? सेक्शन 5 का जिस्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यहां हम लिख रहे ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और लास्ट में लिख रहे एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ऐसा इनकम जो इनकम रेसिड और डिम्ड टू बी रेसिड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो इनकम इंडिया में रिसिप्ट होता है और नहीं तो डिम्ड टू बी रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट नहीं तो डिम्ड टू बी रिसिप्ट इन इंडिया, वो इनकम टैक्सेबल होगा ओआर के हाथ में भी, एनओआर के हाथ में भी, एनआर के हाथ में भी इन इंडिया। नेक्स्ट, इनकम accruing or arising, income accruing or arising or deeming to accrue और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
ऐसी इनकम भी टैक्सेबल होगा तीनों के हाथ में इंडिया में। वर्क के लिए भी टैक्सेबल इनकम है इन इंडिया, इनवर्क के लिए भी टैक्सेबल इनकम है इन इंडिया, एनआर के लिए भी टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। थर्ड हम लिख रहे हैं इनकम accruing or arising outside India during the previous year। ये वाला इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल कभी नहीं होगा। एनआर के हाथ में इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। यहां पे हम एक हैज दे रहे हैं और नीचे हैज का मीनिंग लिख रहे हैं। हैज का मीनिंग क्या है? इवन इफ such income is not a receipt or remitted not receipt or remitted in India during the previous year। बात क्लियर? अच्छा, इन व्हाट टाइप का रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट के लिए ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो। तो कंडीशन को हम एस्ट्रिक से डिनोट कर रहे हैं और नीचे कंडीशन लिख रहे हैं। इफ सच इनकम मतलब कौन सा इनकम? जो इनकम एक्रू और अराइज किया है आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इनकम को लेकर बात हो रही है। इफ सच इनकम इज डेराइव्ड from a business controlled in India or profession set up in India मतलब इनवर्ट टाइप का जो रेसिडेंट होता है वो आउटसाइड इंडिया वाला हर एक इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे नहीं करते। वह है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली टाइप का रेसिडेंट है, इसलिए आउटसाइड इंडिया से जो भी पैसा कमाते हैं हर एक इनकम के ऊपर वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करते, केवल वो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे करते हैं जो आउटसाइड इंडिया से कमाया गया है। बट ऐसा कोई बिजनेस से कमाया गया है जो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो ऐसा कोई प्रोफेशन से कमाया गया है आउटसाइड इंडिया में जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में। बात समझ में आ रही है? ऐसा टाइप का इनकम आउटसाइड इंडिया से कमाने के बाद भी वो इनवा टाइप का रेसिडेंट इंडिया में टैक्स पे करते हैं। कोई इंडिविजुअल अगर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट अपना इंडिया वाला इनकम के ऊपर केवल टैक्स पे करता है, मतलब जो इनकम इंडिया में रिसिप्ट हुआ है नहीं तो डीम टू रिसिप्ट हुआ है, नहीं तो जो इनकम इंडिया में अक्रू हुआ है नहीं तो डीम टू अक्रू हुआ है, केवल इंडिया वाला इनकम के ऊपर नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स पे करते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया जो भी कमाते हैं वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करते। तो नॉन रेसिडेंट को जबरदस्ती रेसिडेंट बनाया गया एंड एनवा टाइप का रेसिडेंट बनाया गया, मतलब केवल इस इनकम को टारगेट किया जा रहा है कि एनवा टाइप का रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से अगर पैसा कमा रहे
और ऐसा बिजनेस से पैसा कमा रहे जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई प्रोफेशन से पैसा कमा रहे जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इंडिया में, इस इनकम को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए नॉन रेसिडेंट को जबरदस्ती रेसिडेंट बनाया गया, बट इनोवा टाइप का रेसिडेंट बनाया गया, मतलब केवल दिस इनकम को टारगेट करने के लिए। बात यहां समझ में आ रहा है? तो डिम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नॉन रेसिडेंट को डिम्ड रेसिडेंट कंसिडर करने के पीछे बेसिक लॉजिक था इस पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करना, क्योंकि नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला कोई भी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करते। तो नॉन रेसिडेंट से अगर टैक्स रिकवर करना है तो नॉन रेसिडेंट को रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, बट रेसिडेंट ओआर भी हो सकते हैं, एनओआर भी हो सकते हैं। ओआर बनाने में तो उसका हर एक इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्या किया बताया, नॉन रेसिडेंट को हम डिम्ड रेसिडेंट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब रेसिडेंट बनाया जा रहा है नॉन रेसिडेंट को, बट इनवा टाइप का रेसिडेंट बनाया जा रहा है, मतलब उसका वो इनकम को टारगेट किया जा रहा है जो इनकम वो आउटसाइड इंडिया से कमा रहे, बट ऐसा कोई बिजनेस से कमा रहे जो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो ऐसा कोई प्रोफेशन से कमा रहे आउटसाइड इंडिया में जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में। बात यहां क्लियर है? तो सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 6 का लिंक समझ में आ गया आपको। इनोवा टाइप का जो रेसिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरीली टाइप का जो रेसिडेंट होता है, वो अपना इंडिया वाला इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए लायबल तो जरूर होता है, बट आउटसाइड इंडिया वाला हर एक इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए इनोवा टाइप का रेसिडेंट लायबल नहीं होता है। इनोवा टाइप का रेसिडेंट अपना इंडिया वाला इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए लायबल तो जरूर होता है, बट आउटसाइड इंडिया वाला हर एक इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए इनोवा टाइप का रेसिडेंट लायबल नहीं होता है। बट अगर ऐसा कोई बिजनेस से इनकम को डिराइव किया गया आउटसाइड इंडिया में जो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो ऐसा कोई प्रोफेशन से आउटसाइड इंडिया में इनकम को डिराइव किया गया जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन से डिराइव किया गया इनकम इंडिया में लायबल होता है टैक्स पे होने के लिए इन द हैंड्स ऑफ द इनोवा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात समझ में आ रहे? मतलब ये जो इनकम मैंने बताया ना, दिस पर्टिकुलर इनकम डेराइव्ड हो रहा है आउटसाइड इंडिया में, फिर भी उस इनकम के ऊपर इन इंडिया में टैक्स पे करने के लिए इनोवा टाइप का रेसिडेंट लायबल होता है। तो केवल आउटसाइड इंडिया वाला दिस इनकम के ऊपर इनोवा टाइप का रेसिडेंट इन इंडिया में लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। बात यहां तक क्लियर है? इसी इनकम को टारगेट करने के लिए डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था फिनांस एक्ट 2020 के थ्रू। आप सोच के देखो, जो एनआर होता है नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट केवल इंडिया वाला इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, आउटसाइड इंडिया वाला इनकम के ऊपर इन इंडिया टैक्स पे करने के लिए एनआर लायबल नहीं होते। बट आप सोच के देखो, जो एनआर इंडियन सिटीजन है और वो दूसरा कोई देश में भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं बन रहे, वो देश का डोमिसाइल और रेसिडेंस का हिसाब से, मतलब ऐसा तरीका से अपना अरेंजमेंट किया कि वो स्टेटलेस पर्सन बढ़ गया, मतलब कोई भी देश का नहीं, कोई भी देश उसको रेसिडेंट कंसिडर नहीं कर रहा, ऐसा करके वो अपना रेसिडेंशियल एकोमोडेशन को अरेंज किया है। हर एक देश का लॉ को समझते हुए वो हर एक देश में इतना टाइम स्पेंड कर रहे कि कोई भी देश का वो रेसिडेंट कंसिडर नहीं हो रहे, स्टेटलेस पर्सन बन गया। इंडियन सिटीजन है, इंडिया में भी वो नॉन रेसिडेंट है, दूसरा देश में भी वो नॉन रेसिडेंट है। तो इंडिया वाला इनकम के ऊपर वो जो एनआर है, जो इंडियन सिटीजन एनआर है, वो इंडिया वाला इनकम के ऊपर तो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, बट आउटसाइड इंडिया वाला इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, बट आउटसाइड इंडिया वाला इनकम के ऊपर आउटसाइड इंडिया में भी वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो रहे, वो कॉरस्पॉन्डिंग देश में जो देश से वो पैसा कमाया था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि वो नॉन रेसिडेंट को हम लोग जबरदस्ती रेसिडेंट बनाएंगे, मतलब डीम्ड रेसिडेंट कर देंगे, बट इनोवा टाइप का रेसिडेंट करेंगे, मतलब उसका वो वाला इनकम जो बिजनेस से डायरेक्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया में, बड़ो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो वो जो स्टेटलेस पर्सन है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ऐसा कोई प्रोफेशन से आउटसाइड इंडिया पैसा डेराइव कर रहे जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में, तो ये वाला इनकम के ऊपर वो इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगा, उसको डीम्ड रेसिडेंट बट इनोवा टाइप का कंसिडर कर लिया गवर्नमेंट ने। बात यहां क्लियर हो रहे? तो एनआर को डीम्ड रेसिडेंट बनाने के पीछे रीजन क्या था? डीम्ड रेसिडेंट है बट वाट टाइप का डीम्ड रेसिडेंट नहीं है। अगर एनआर को हम लोग डीम्ड रेसिडेंट वाट टाइप का बना देंगे, तब तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, इंडियन इनकम के ऊपर तो एनआर स्टेटस रहने के बाद भी टैक्स पे करने के लिए लायबल हो रहे थे, बट आउटसाइड इंडिया वाला इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो रहे थे। बट अगर एनआर को हम लोग डीम्ड रेसिडेंट वाट टाइप का बना देंगे, तो आउटसाइड इंडिया वाला हर एक इनकम के ऊपर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगा, इसलिए उसको इनोवा टाइप का हमने रेसिडेंट बना दिया। मतलब वो डीम्ड रेसिडेंट पास्ट में एनआर स्टेटस रहने में जैसे इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो रहे थे,
अभी प्रेजेंट में डीम्ड रेसिडेंट बनने के बाद भी इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए इक्वली लायबल रहेंगे, बट एडिशनली वो लायबल हो जाएंगे आउटसाइड इंडिया वाला इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए। बट कौन सा आउटसाइड इंडिया वाला इनकम? ऐसा कोई बिजनेस से डिराइव किया गया है आउटसाइड इंडिया में इनकम जो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो ऐसा कोई प्रोफेशन से आउटसाइड इंडिया में इनकम को डिराइव किया गया जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में। एडिशनली दिस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे डिम्ड रेसिडेंट। तो आपको समझ में आ गया सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 6 का रिलेशन, साथ साथ डिम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। फिर बता रहे टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इस पर्टिकुलर लाइन को लेकर हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आइए पहले लाइन को लिखते हैं। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। नाउ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इसका मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब है इनकम which accrues or arises outside India, but other than two point. नंबर वन ए एंड बी करके लिखेंगे, इनकम डेराइव्ड आउटसाइड इंडिया फिर भी इसको फॉरेन सोर्सेस इनकम नहीं माना जाएगा, इनकम डायरेक्ट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस, मतलब इसको इंडियन इनकम कंसिडर किया जाए फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। बी में लिखेंगे इनकम डेराइव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो ए एंड बी दोनों में जो इनकम रेफर्ड है उसको इंडियन इनकम कंसिडर किया जाएगा, फॉरेन सोर्सेस इनकम नहीं माना जाएगा, यह बात याद रखना पड़ेगा। तो फॉरेन सोर्सेस इनकम का मतलब क्या बन रहा है? अब बताओ कि इनकम व्हिच एक्रूस और अराइजेस आउटसाइड इंडिया दैट इज द फॉरेन सोर्सेस इनकम, बट अदर देन ए एंड बी। हाँ
बट जो इनकम एक्रूअर्ड अराइज आउटसाइड इंडिया होता है उसमें भी कुछ इनकम को इंडिया में डीम टू एक्रूअर्ड अराइज माना जाता है, तो वो भी तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए ब्रैकेट में यहां पे हम लिखेंगे व्हिच इज नॉट डीम टू एक्रूअर्ड अराइज इन इंडिया, व्हिच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बात क्लियर? तो इनकम व्हिच अक्रूस और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, बट उसमें वो इनकम नहीं कंसीडर करेंगे जो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाता है। मतलब कुछ आउटसाइड इंडिया में अक्रू और अराइज करने वाला इनकम को इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज कंसीडर किया जाता है, उसको हटा के। बात क्लियर? अभी चलो, जो लाइन हमने लिखा था, क्या लाइन लिखा था, टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस इनकम, टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस इनकम, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, आप बताओगे सर इसका मतलब तो इंडियन इनकम है, आपने बहुत बार बताया इसका मतलब होता है इंडियन इनकम, और फॉरेन सोर्सेस इनकम का मतलब क्या है वो तो आज हमने सीख लिया। ठीक है, तो अब इक्वेशन बना पाओगे, इक्वेशन बना पाओगे आप ना इंडियन इनकम का मतलब क्या हो रहा है। देखो इक्वेशन में सबसे पहले आएगा इनकम which accrues or arises in India plus income which is deemed to accrue or arise in India. Plus इनकम ब्रैकेट में लिख रहे हैं डेराइव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस controlled in India. Plus income bracket mein likh rahe derived outside India. From a profession set up in India. ये चार टाइप्स का इनकम मिला के होगा इंडियन इनकम। क्लियर है?